राजस्थान परिवार द्वारा श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव के मौके पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित धनेश्वर घाट हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की आकर्षक झांकी बनाई गई। यात्रा में शामिल महिला पुरुष सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप साथ नृत्य करते दिखे। दरअसल राजस्थान के खाटू में श्याम बाबा की मंदिर है, जो महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीम के पौत्र ने अपना शीश दान दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारे सिर की पूजा पूरे हिंदुस्तान में होगी। आज राजस्थान समाज पूरी दुनिया में जहां भी हो वहां अपनी संस्कृति को लेकर गया और उनके मंदिर को याद कर सभी जगह खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसी कड़ी में बिहार शरीफ से भी इसकी शुरुआत हुई है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। आने वाले समय में बिहार शरीफ में भी खाटू श्याम की भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। नालंदा से वक्त टीवी के लिए दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम बाबा का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। यह भव्य मंदिर खाटू श्याम जी का जो है ये महाभारत काल से जुड़ी हुई घटना है, जिसमें भीम के पौत्र ने अपना शीश का दान दिया था युद्ध में और भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारे शीश की पूजा पूरे हिंदुस्तान में होगी, घर घर में होगी और सब जगह सुख शांति आएगी। तो राजस्थान समाज आज दुनिया में जहाँ भी है वहाँ अपनी संस्कृति को लेकर गया और खाटू श्याम बाबा के मंदिर को उनके निशान यात्रा को लेकर गया। इसी क्रम में आज बिहार शरीफ से भी इसकी शुरुआत भव्य हो रही है, जो हमेशा हर साल होगी और आने वाले समय में यहाँ बाबा श्याम का एक भव्य मंदिर भी बनेगा और उसमें हम लोग सभी निकले हैं, श्याम परिवार बिहार शरीफ। मैं चांद झुंझुनवाला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।